पेरेंट्स एंड माय डियर किड्स, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज ओपन पेज नंबर 61। इट्स पेज नंबर 61, लेसन 12, फॉरेस्ट, जंगलात। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम इस लेसन की रीडिंग करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे और देन हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉरेस्ट इज एन एरिया कवर्ड विद ट्रीज। ट्रीज आर यूजफुल इन मैनी वेज। जंगल एक ऐसी जगह का नाम है, ऐसे एरिए का नाम है जो बहुत सारे दरख्तों से घिरा हुआ हो, यानी ऐसी जगह जहाँ बेशुमार दरख्त हों, एक बहुत बड़े हिस्से पर दरख्त उगे हुए हों, उसे हम कहते हैं जंगल। और जो दरख्त हैं हमारे लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से बहुत मुफीद होते हैं, बहुत काम आते हैं। ट्रीज़ प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। दरख्त ऑक्सीजन पैदा करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो खुराक बनाने के अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं, ऑक्सीजन पैदा करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग बींग्स। ऑक्सीजन की दस्तियाबी तमाम जिंदा जानदारों के लिए, उनका जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, तमाम दरख्त काट दिए जाएंगे, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन पैदा नहीं होगी। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। लिहाजा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि तमाम जानदार जानवरों के लिए, परिंदों के लिए, हर वो चीज़ जो ज़िंदा है, सांस लेती है, तमाम जानदारों के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। और ऑक्सीजन के लिए दरख्तों का होना, जंगलात का होना, फॉरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। फॉरेस्ट इज़ द हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स। जंगलात जो हैं वो जंगली जानवरों का मस्कन है, हैबिटेट बोलते हैं, मस्कन, मस्कन यानी रहाइश की जगह। अगर आपको बच्चों के लिहाज से समझाऊं तो जिस तरह से हमारे रहने के लिए हमारा घर, हमारा मकान ज़रूरी है, हमारा घर ज़रूरी है, जहां हम रह सकें, सोते हैं, खाते पीते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं, ऐसे ही जानवरों के लिए जो जंगल है वो उनका घर होता है, उनका मस्कन, उनका घर होता है, वो वहाँ रहते हैं। दे आर यूज़फुल फॉर ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज। जंगलात जो हैं वो इंसानों के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से, बहुत से तरीक़ों से हमारे लिए, बहुत से हमें जंगलात से फ़ायदे मिलते हैं और जंगलात जो हैं हमारे लिए बहुत अहम हैं। दे प्रोड्यूसर्स वुड एंड द पल्प फॉर पेपर। ये हमें लकड़ी भी फ्राहम करते हैं और हमें पल्प यानी इनके गूदे से, लकड़ी के गूदे से हम कागज़, ये जो पेपर्स हैं, जो आपकी कॉपीज़ हैं, बुक्स हैं, ये सब किससे बनती हैं? लकड़ी के पल्प से, लकड़ी के गुदे से कागज़ तैयार होता है, जिससे आपकी बुक्स, आपके पेपर्स, आपकी कॉपीज़ हैं वो तैयार की जाती हैं। दे प्रोवाइड अस हर्ब्स विच आर यूज इन मेडिसन। हमें इनसे मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जिनसे अद्वियात तैयार होती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की हर्बल और जो डॉक्टरी मेडिसन है वो इन्हीं जड़ी बूटियों से तैयार की जाती हैं। दे मेक द वेदर प्लेजेंट। इनसे मौसम भी खुशगवार होते हैं। ट्रीज़ मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश। और दरख्तों से जो हवा है वो साफ़ और ताज़ा होती है, क्योंकि दरख्तों की वजह से जो गर्मी का तनासुब है वो ज़्यादा नहीं हो पाता और मौसम जो है वो खुशगवार रहता है, बारिशें होती हैं, ठंडक होती है। और अगर तमाम दरख्त काट दिए जाएँ तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी और ये जो एक तनासुब है, एक बैलेंस है, वो ख़त्म हो जाएगा और इंतहाई जो है वो गर्मी होगी और बारिशें भी नहीं होंगी, बारिशों का तनासुब ना होने के बराबर होगा। पाकिस्तान डजेंट हैव इनफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। पाकिस्तान में जंगलात के जो ज़राएँ हैं, जो वसाइल हैं, वो ज़्यादा नहीं हैं, यानी पाकिस्तान में ज़्यादा जंगलात नहीं पाए जाते। वन ऑफ द मेन रीजन्स इज़ डिफॉरेस्टेशन। और पाकिस्तान में जंगलात की कमी की एक वजह जो है वो जंगलात का कटाव है, यानी कि बेधड़क जो है वो जंगलात को काटा जा रहा है, दरख्तों को काट दिया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जंगलात कम हैं। सम ऑफ द रीजन्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर, और इस कटाव की वजह, जंगलात क्यों काटे जाते हैं, इनकी कुछ अहम वजूहत ये हैं। टू मेक रेजिडेंशियल एरियाज़ फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन। बढ़ती हुई आबादी के लिए, रिहायशी इलाके बनाने के लिए जंगलात को काटा जा रहा है, नई नई हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, रिहायशी इलाके बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो जंगलात हैं उन्हें काट दिया जा रहा है, ताकि वहाँ पे इंसानों के रहने के लिए रिहायशी आबादी जो है वो बनाई जा सके। टू कट डाउन द ट्रीज़ फॉर द वुड टू बी यूज फॉर बर्निंग एंड मेकिंग फर्नीचर। और दूसरी रीज़न जो है, अहम रीज़न, वो ये है कि आप
हम लोग जो हैं वो फर्नीचर बनाने के लिए बेड, सोफ़ा, चेयर्स, टेबल्स, फर्नीचर बनाने के लिए और लकड़ी को जलाने के लिए हम इन दरख्तों को काट रहे हैं एक बहुत बड़ी तादाद में, जिसकी वजह से पाकिस्तान में दरख्तों की कमी हो रही है और दरख्तों का कटाव किया जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन ब्रिंग्स अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन द क्लाइमेट, और दरख्तों का ये जो कटाव है, ये जो डिफॉरेस्टेशन है, इसकी वजह से माहौल में, आबो हवा में अनचाही जो हैं वो तब्दीलियाँ आ रही हैं। यानी जब इनका बहुत ज़्यादा कटाव किया जा रहा है और नए दरख्त नहीं उतनी तादाद में लगाए जा रहे, तो क्या होता है कि आबो हवा में जो है इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी ज़्यादा अरसे के लिए रहती है और सर्दी का पीरियड जो है, सर्दी का मौसम बहुत कम रहता है। इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, यही वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जो है वो गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ रही है। वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज, हमें दरख्तों को तहफ़ देने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि हम इनको प्रिजर्व कर सकें, इन्हें बचा सकें, दरख्तों का कटाव जो है वो कम से कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा नए दरख्त लगाएं। वी शुड स्टॉप कटिंग डाउन ट्रीज, हमें दरख्तों के कटाव जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज इन आर सराउंडिंग्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने इर्द गिर्द दरख्तों को लगाना चाहिए। आपको भी चाहिए कि अपने घरों में पौधे लगाएं और अपने घरों के बाहर कोई एक पौधा या पेड़ लाजमी लगाएं, और नेशनल लेवल पे भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्तों को लगाना चाहिए ताकि जो माहौलियती आलूदगी है वो कम से कम हो सके। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इट्स पेज नंबर 63, असेसमेंट। राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, जो सही स्टेटमेंट है उसके सामने हम टी लिखेंगे यानी ट्रू, और जो गलत स्टेटमेंट है, झूठ है, उसके हम सामने हम लिखेंगे फॉल्स। एफ फॉर सीजन एरिया कवर विद ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर, जंगलात ऐसा हिस्सा है जिस जो पानी से भरा हुआ होता है, फॉल्स एफ लिखेंगे। डिफॉरेस्टेशन ब्रिंग्स अनडिज़ायरेबल चेंजेस इन द क्लाइमेट, जंगलात का कटाव माहौल में अनचाही तब्दीलियाँ लाता है, ट्रू। फॉरेस्ट हेल्प इन डिक्रीजिंग एयर पोल्यूशन, जंगलात जो हैं वो अभी वो हवा में मौजूद आलूदगी को कम करने में मदद देते हैं, ट्रू। पल्प ऑफ ट्रीज इज आल्सो यूज टू मेक पेपर, दरख्तों का जो गूदा है वो पेपर बनाने के इस्तेमाल आता है, कागज़ बनाने के इस्तेमाल आता है, ट्रू। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड प्लांटेशन, जंगलात का कटाव प्लांटेशन कहलाता है, यानी कि चदरकारी कहलाता है, रोंग। तो आएगा एफ। तो फर्स्ट है फॉल्स, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंड ट्रू। पहले में आएगा एफ, सेकंड में टू, थर्ड में ट्रू, फोर्थ में भी ट्रू, और फिर इसके बाद लास्ट में आएगा एफ। फिर से एक दफ़ा समझ लीजिए, सिर्फ फर्स्ट और जो लास्ट स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, इन दोनों में एफ आएगा, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है ये ट्रू हैं, टी 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 आएगा। बी है सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड बैंक टू फिल इन द ब्लैंक्स टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, हमें यहाँ पे कुछ वर्ड बैंक में ये वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें हमने मुनासिब जगह पे लगा के इन फिलिंग्स इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है, जो खाली जगह हैं इन्हें हम फिल करेंगे इन वर्ड्स के साथ। तो फर्स्ट में आएगा गिफ्ट, जी आई एफ टी गिफ्ट, सेकेंड में आएगा हर्ब्स, एच ई आर बी एस हर्ब्स, थर्ड में आएगा हैबिटेट, एच ए बी आई टी ए टी हैबिटेट, फोर्थ में आएगा क्लाइमेट, सी एल आई एम ए टी ई क्लाइमेट, फिर आएगा रिड्यूस, आर ई डी यू सी रिड्यूस, सिक्स में आएगा फूड, एफ डब्ल्यू डी फूड, सेवन्थ में आएगा होम्स, एच ओ एम ई एस होम्स। पेज 64 पे है एक्टिविटी सी, लेबल द डायग्राम टू कम्प्लीट द साइकिल, हमें यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है, इसको हमने लेबल करना है। तो ये है ट्री, टी आर डबल ई ट्री, ये है ह्यूमन यानी इंसान, एच यू एम ए एन ह्यूमन। उसके बाद अब इंसान जो है वो दरख्त से क्या हासिल कर रहा है सांस के ज़रिए, ऑक्सीजन, ओ एक्स वाई जी ई एन ऑक्सीजन, और दरख्त इंसान को ऑक्सीजन दे रहा है, और इंसान की सांसों से वो क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो अपने फेफड़ों में ले जाते हैं, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में खारिज करते हैं। पौधे ये कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इंसान दरख्त को क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड।
CARBON carbon, DIOXIDE oxide carbon dioxide. इंसान दरख्त को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और दरख्त बदले में उसे ताज़ा ऑक्सीजन दे रहा है सांस लेने के लिए. नेक्स्ट, आंसर द गिवन क्वेश्चंस. व्हाट इज ए फॉरेस्ट, जंगल क्या है? इस आंसर ऑन पेज नंबर 61. क्वेश्चन वन का आंसर है पेज नंबर 61 पे. फॉरेस्ट इज एन एरिया कवर्ड विद ट्रीज. तो क्वेश्चन वन का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है, फॉरेस्ट से लेकर ट्रीज तक क्वेश्चन वन का आंसर है. सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ आर फॉरेस्ट यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए दरख्त किस तरह से मुफीद हैं? इट्स आंसर ऑन पेज नंबर 61. पेज नंबर 61 पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ट्रीज आर यूजफुल इन मैनी वेज, ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ट्रीज से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड तक है. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव किसे कहते हैं या क्या है? इसका क्वेश्चन का आंसर हम क्वेश्चन में से ही लेंगे. डिफॉरेस्टेशन, डी जो है वो कैपिटल लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क कट कर देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे. डिफॉरेस्टेशन इज IS व्हेन, WHEN व्हेन, ह्यूमंस HUMANS ह्यूमंस, रिमूव REMOVE रिमूव, लार्ज LARGE लार्ज, एरियाज AREAS एरियाज, OF ऑफ फॉरेस्ट FOREST फॉरेस्ट, लैंड्स LANDS लैंड्स. आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. तो इसका आंसर बनेगा, डिफॉरेस्टेशन इज व्हेन ह्यूमंस रिमूव लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स. क्वेश्चन 4 है, व्हाट विल हैपन इफ ऑल द ट्रीज आर कट डाउन, क्या होगा अगर तमाम दरख्तों को काट दिया जाए? इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 62. पेज 62 पे क्वेश्चन 4 का आंसर है, डिफॉरेस्टेशन ब्रिंग्स अनडिजायरेबल चेंजेस इन द क्लाइमेट, जंगलात का कटाव जो है वो आबोहवा में अनचाही तब्दीलियां लाता है. तो क्वेश्चन 4 का आंसर डिफॉरेस्टेशन से लेके क्लाइमेट तक है. क्वेश्चन नंबर 5 इज, हाउ कैन वी स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, हम जंगलात के कटाव को कैसे रोक सकते हैं? इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 62. पेज 62 पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज इन आर सराउंडिंग्स, हमने ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त अपने इर्द गिर्द उगाने चाहिए. तो इससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन जो है वो कम होगी. नेक्स्ट है एक्टिविटी, ब्रश अप योर आइडियाज, ड्रा ए पोस्टर ऑफ प्लांट मोर ट्रीज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं, एंड डिस्प्ले इट इन योर स्क्रैप बुक. आपने क्या करना है, कोई भी एक पेपर लेके, चार्ट पेपर लेके छोटा सा, उसके ऊपर आप दरख्त बनाएं और उसके ऊपर लिखें. आपने ये स्लोगन लिखना है, प्लांट मोर ट्रीज, यानी यह आइडिया देना है, दरख्त बनाकर ऊपर ये लिखना है, प्लांट मोर ट्रीज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं. जब आप ये बना लेंगे उसके बाद इसमें आपने इसको अपनी स्केच बुक में, अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है. तो ये थी आज की वीडियो. उम्मीद करते हैं कि आपको इस लेसन को समझने में और इस एक्टिविटीज़ को और क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने में हेल्प मिली हुई होगी. नेक्स्ट वीडियो आप किस लेसन पे, किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट्स में लाजमी बताइएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.